अतबीरा की बिटिया की शादी हैगी नवंबर में। कौन सी बड़ी वाली? हाँ, तो पहले बड़ी वाली सर्वेसिया की होगी ना, छोटी वाली की कैसे है जाएगी? ना ना, वैसे शशिया भी तो शादी के लायक हो गई। हाँ, तो बाको नंबर अगले साल आ जाएगा। ऐसे एक बात बताओ अम्मा, एक साथ दो दो शादी को जो खर्चा है झटका, अतबीर मामा झेल लेंगे? बापे का कमी आएगी। बा ने ना बिटिया के नाम पे वो क्या कहते हैं, फीक 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 फिक्स डिपॉजिट। हाउ हाउ तुम दरोगा की अम्मा फिक्स डिपॉजिट ना भूल पा रहे? ना, हमें पता है को फिक्स डिपॉजिट कर रखो है 25-25 लाख को। 25-25 लाख? अरे तो पता अम्मा, ब्याज ब्याज मिला के 90-80-85 मतलब लगभग इतने लाख रुपया मिल जाएंगे। हाउ हाउ, आराम से फिर धूमधाम से करेगो अपनी बिटिया की शादी। अरे आ जा, अतबीरा की तो दो बिटिया हैंगी, तेरी तो तीन हैंगी। तूने का प्लान कर रखो है? जे अम्मा की। अच्छा, तो पी लियो। अम्मा दरोगा जी ने ना पहले ही से 20-20 लाख तीनों लड़कियों के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करवाए दो है। हैं? अज ये बात हमें ना बताई अबुआ? ना, ऐसे हो सकते हैं अम्मा, तुम्हें ना बताए। तुम्हारी दिक्कतें का है, खाना के बाटे काती हूँ, वही टाइम हम सब खास बातें बताते सवेरे भूल जाती हूँ। तुम बताई थी हमने, पाँव दबा रहे थे जब। तो गलती किसकी हैगी? इतनी जरूरी बात तू रात को काहे बताते हो, दिन में ना बता सकते है। मम्मी टिफिन। हाँ, लाए रहे। मम्मी मारा मत लेकर आना। कहे? अरे वो हमारे NCC के सर शिकार पर गए थे ना, तो जंगली मुर्गा लेकर आए, तो हमारे लंच का इंतजाम तो हो गया। अरे वाह दीदी, तुम्हारी तो अच्छी खासी दावत है गई। हाँ, वैसे भी इस घर में कहाँ कुछ अच्छा बनता ही है। तुम कहे तो चक रहे हो, तुम्हारा पिज्जा बनाए दो है हमने। मम्मी आप जिस पिज्जा की बात कर रहे हो ना, वो पिज्जा के नाम पे कलंक क्या कलंक। अरे उस दिन आपने रोटी के ऊपर चीज और सब्जी लगा के दे दी, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। ऐसा है बेटा, तुम्हारी मम्मी इटली से ना है, बदायूं से, और बदायूं में जुई पिज्जो बनाता है। ठीक है, अगर खाने तो खाए ले, तो जाओ तो बैठ जाओ गुइया के खेत में। आए बड़े यार, गलत हो गो पैदा जा घर में है, बड़ो पिज्जा पिज्जा कर रहा हूँ, इटली की नागरिकता लेने को इरादू है का? आप तो चुप ही रहो अप्पू सिंह। मेरा मतलब है कि आप चुप रहिए पापा, आप ना दुनिया के सबसे बड़े कंजूस हो कंजूस। आपको अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं है कि वो लोग कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे स्कूल जाते हैं। तू सारे ज्यादा ना बोल लो। ज्यादा का बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। क्यों दादी, अब क्यों ज्यादा बोल रहा हूँ मैं? आपने तो कहा था कि सबका अधिकार है उसके हक के बारे में बोलना। हाउ हाउ, जे भी सही है। देखा बुआ, लौंडा अपने हक की बात कर रहा है। ढंग से प्रकाश डालो, कौन से हक की बात कर रही जो? सारे को भर भर के रिचार्ज करा दो फोन तो सही है बाप, सिनेमा दिखा दो तो सही है बाप, पढ़ने के लाने कह दो खराब बाप, कंजूस बाप, देखनी नहीं कैसी जबान चल रही। पापा आपकी ना सोच आपकी मूछों की तरह एकदम टेढ़ी है, टेढ़ी। तुम्हारे एक दिन धर के क्या बकर तुम बाप के बारे में अपने? अरे सच ही बकरा हूँ, कुछ झूठ तो नहीं बकरा ना। क्या आप लोगों ने हमें कभी पूछा कि हम कैसे स्कूल जाते हैं, धूल से लिपटे हुए, धूप से जलते हुए। अरे बोलना कुछ चमची, इतनी डिटेल में बता तो रहे, मैं क्या बोलूं? कितनी बार बोला है कि स्कूटी दिला दो, लेकिन नहीं, इस घर में अपने बच्चों से कोई भी प्यार नहीं करता। कैट 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 कैट। हेलो ग्रैंडमा। हेलो अंकल जी। हेलो दी। ओ हो 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 हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू किडोस? भैया तुम्हारी बाइक कितने आएगी? नो बाइक नो स्कूटी, स्कूटी आउट ऑफ सर्विस, सर्म कचरा कचरा घुसिंग इन द कार्बोरेटर, सो स्कूटी नॉट वर्किंग, एंड एनीवे मी कैन नॉट थ्रो यू इन द स्कूल्स। क्या? मैं इनको स्कूल नहीं छोड़ पाऊंगा। इसका मतलब हमें स्कूल पैदल जाना पड़ेगा? हाँ तो पैदल ही जाना पड़ेगा, अपने पिताश्री ने घोड़े हाथी नहीं रखे हमने भेजने के लिए। सही कह रहा हूँ बेटा, हाथी घोड़ा वालों बाप ले ले गोद, जो वालो तो बेकार है। देखो ऐसी बातें कर जाने दे। पकड़ो
जाके वजह से हो रहो सब हमें ही ने तो करो है और का तू नहीं बिगाड़ रखा हो कैट भाग सुन तुझे क्या लगता है हम गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं ना नहीं मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत रिच फैमिली में पैदा हुई हूँ हाँ फिर तो तू पिछले जन्म में भिखारन रही होगी क्या बकवास करे जा रहा है तू तो देख कौन से एंगल से हम रिच फैमिली में पैदा हुए ऐसे लगते हैं हाँ हमारे घर पे कौन से नौकर चाकर है हाँ हमारी घर के बाहर कोई गाड़ियाँ शाड़ियाँ लगती है हाँ वो लेकिन लेकिन कुछ नहीं तू मेरी बात सुन हम लोग ना एकदम गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं रोजाना हम लोग को कमलेश भैया की गाड़ी से लटकते लटकते स्कूल आना पड़ता है या तो फिर 5-6 किलोमीटर चल के यहाँ पे आना पड़ता है यार कैसी फैमिली है यार हमारी पापा भी एक सेकेंड हैंड कार नहीं ले सकते हम लोग को यहाँ तक छोड़ने के लिए बस इतना ही तो है हाँ यार बात तो सही है पापा के पास वो ही पुराना स्कूटर है उससे ही आते जाते रहते हैं वो अपने लिए तो वो नया स्कूटर ले नहीं पाते हैं हमारे लिए क्या घुइयां कार लेंगे चमची देख मैं तुझसे सारी बातें शेयर करता हूँ आज भी मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा सुन मुझे ना इस घर में घुटन होती है मैं बहुत सफोकेशन फील करता हूँ इस घर में काश मैं भी टाटा या अंबानी के घर पैदा होता चल Hi, I'm Ritik Singh. New admission? हाँ, first day. तुम दोनों भी इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ. बच्चे दोस्ती करोगे? Why not? पर आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? Because मुझे poor boys बहुत अच्छे लगते हैं. कंधा है गो? 16. बढ़िया. और कॉलर ले लें एक बार 11:30 बढ़िया तो करो 17:30 करो अच्छा ये बताओ पैंट की लंबाई कितने का रखें 43 कर दे नहीं नहीं 42 करो 42 काहे के ना ज्यादा लंबा जाए तो जूते के नीचे घसकता है हाँ लिख लो और सुनो ये भी याद से लिख लो कि बटन जो है ना गोल्डन बटन लगाना है गोल्डन बटन टांगना काहे कि सफारी सूट पे गोल्डन बटन ज्यादा फपता है जे बात हाँ गोल्डन का भैया वकील बाबू हाँ अरे यार सूट बूट सिलवाए जा रहे वैसे हमें याद है कि हमारे घर में कौन फंक्शन ना है दादा मतलब तुम्हारे घर के फंक्शन से हमारे सूट सिलवाने का क्या मतलब है बे कैसे नहीं लेने देने बेनी देखो जहाँ तक हमें याद है तू कौन फंक्शन तो घर में मनातू ना है मोहल्ला में या हमारे घर में बस फंक्शन जब भी होते हुए तो फ्री को मलिदा पेलने आ जाते हुए फालतू की बकवास मत करो सुनो हम ये जो सूट ना सफारी सूट सिलवा रहे विमलेश के लिए कहा कि राजेश ने हमको बताया कि विमलेश को जो है सफारी सूट बहुत ही ज्यादा पसंद है अच्छा जो तुमने गलत सुन ली अरे हमारे पास तो बल्कि फोन आओ तो विमलेश हमें कह रही थी जीजा हमें धोती कुर्ता बहुत पसंद है धोती कुर्ता देखता नहीं मतलब होलहोला जाती है क्या बात कर रहे कसम से जो फोन पे बिल्कुल स्वयं विमलेश ने हमें जानकारी दी अरे काम करो ये कैंसिल करो सफारी सूट कैंसिल करो धोती कुर्ते का माप ले लो चलो अरे जो तुम क्या कर रहे हो इनकी तो मजाक करने की आदत है हाँ विमलेश को बहुत ही चिड़े धोती कुर्ता से तुम तो सूट ही बनवाओ है ऐसा है ना तुम हमें अपना दोस्त कहते खुद ही पुत्र इधर देखो हमारी तरफ
तुम्हारे जैसा लीचड़ और घटिया दोस्त हो ना तो फिर दुश्मन की जरूरत है ना जिंदगी में। तुम मतलब विमलेश के दिल में हमारे खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हो? हंस कर रहे तुम? पढ़ा करो, हम जा रहे। अरे कहाँ हंसते हंसते जा कर रहे हो, जवाब दो हमको। विमलेश से दुश्मनी कराना चाहते हो तुम हमारी? अरे बेनी रिलैक्स हो जाओ, कहीं चिल्ला रहे तुम? अरे देखो इसको कुछ भी बोलता है। जे पागल है तुम, सुनो जब सूट सिलवाए के ना तुम अच्छी से एक सेल्फी खींच के हमें भेज दी, हम जब फॉरवर्ड कर दिए विमलेश के पास। हाँ मतलब सच में मुझ में। चलो 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 जल्दी कर, सूट सिलवाए रहे ना। हाँ सूट सूट कंफर्म। हाँ तो हो गया 43 43। हाँ अब ना ये दस जांग बताओ, जांग जांग। हाँ ओहो 32.5। चलो हो गई माफ। बिटनी कितनी स्वीट है ना। बहुत स्वीट है, मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तूने वो उसका पेंसिल बॉक्स देखा? इम्पोर्टेड था। मैंने उसका पेंसिल बॉक्स नहीं, मैंने उसकी आंखें देखी, बहुत प्यारी थी। तूने वो उसके हेयर क्लिप्स देखे? कितने सुंदर थे ना। मैं उसकी हेयर क्लिप नहीं, उसके हेयर देख रहा था, लग रहा था कोई डॉल के हेयर है। ऐसे क्यों देख रही है? क्या बात है, बड़ी बिटने की तारीफ करी जा रही है। अरे वो तारीफ करने के काबिल है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। वैसे मैं पहली बार देख रही हूँ। क्या तुझे किसी गर्ल से इम्प्रेस होते हुए? इट्स तू तो जानती है मेरी स्कूल की सारी लड़कियाँ मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। कद्दू चाहती है, सारी गर्ल्स तुझसे दूर भागती है। अच्छा वो सब छोड़, तुझे ब्रिटनी कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। तेरी भाभी बनने के काबिल है, हैं? मेरा मतलब है फ्रेंडशिप कर लो। हाँ कर लेना, मैंने कहा तुझे पकड़ के रखा है। ठीक है फिर। और कितनी देर तक चलेगा जो सब आसन तुम आओ? डिस्टर्ब मत करो। ठीक है जाओ घुइया के खेत में। क्या होएगा अम्मा, किन्हें भेज रही हो तुम घुइया के खेत में? अरे और कौन, तुम्हारे ससुर को देखो ना, तब से सब आसन में पड़े हैं। कहीं टैब तो ना भूल गए? अरे तू भूल गई है, वे पहले से ही टैब आए हैं। तो फिर कहीं ना उठ रहे अम्मा? हमें सता रहे और का। Me is bringing a very, very, very good news for you. And the good news is that me is becoming a reporter in news channel. हाँ? ये कहाँ बोलते हैं अंग्रेजी में? अरे खबर लेकर आई हूँ कि मेरी नौकरी लगी है, वो भी न्यूज चैनल में रिपोर्टर के उस पे। कहाँ? या या, me becoming man of camera with cat. हाँ? कैमरामैन बन गया मैं? तू भी चिपक लाओ। Grandmother, when me doing this reporting thing, then who will shooting me, na? Kamlesh will shooting me, that is why he is becoming this cameraman. हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि न्यूज चैनल कौन सा हैगा एंड टीवी का हो? ना ना, MC. जाकब फुलपाम का होते कमलेश? मदर MC meaning modern colony news channel. अच्छा तो ठीक है, ये बताओ काम के बाद की तनख्वाह कितनी मिलेगी? तनख्वाह? अरे रे तनख्वाह तो टोटली डिपेंड ऑन आवर्स। इफ वी विल गिव बिग न्यूज दे विल गिव 100 रुपये पर न्यूज, इफ विल गिव शॉर्ट न्यूज दे विल गिव 25 रुपये पर न्यूज। मुझे कछु कम ना आएगा? कछु बहुत कम है। मदर ग्रैंड मदर actually right now we are in this learning thing na, matlab in process, when we becoming old in this reporting thing then our tanka becoming 1 lakh 2. Acha bahut zyada hai tab to. Chalo amma khushi bhai kam se kam je kachu ban to gayi. Aha tu chutiya bana le jaldi, tab se lagi padi hai. Chal aashirwad le lo apne dada ji. Ha grandmother, where is grandfather? Are itne late hain. Okay grandfather. अरे बा उनकी मूछे हैंगी, पैर उते हैंगे। ग्रैंडफादर जीती रहे, जीती रहे। आशीर्वाद दे रहे हैंगे। थैंक्स ग्रैंडफादर। आप कुछ ले ले। एक्शन।
spoon in his mouth and but not eating anything. Oh, bhai. क्या हो गया थारे को? ए मेंटल। वो भांजी के मामा कौन के ख्यालन में खो हुए दादा? कुछ नहीं हुआ। ना 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 कुछ तो भाव है। कब से झगड़ा हो गया? झगड़ा नहीं दादी, मुझे प्यार हुआ। कुछ नहीं हुआ दादी? ना 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 कुछ तो भाव है। ऐसे चुप तो ना बैठ तो है। जे मुंह में चम्मच डाल। कहाँ है गो? कचुना होगो तो मैं लल्ला म्यूट म्यूट सो लग रहा हूँ। मतलब? मतलब he's not speaking anything. His mouth is shut, his eyes are open, he's looking inside the sky and also smiling. ऐसो बिटिया हमें तो भाई अंग्रेजी समझ में ना आता है, ठीक है? अरे वो कहना चाह रही से कि थारा सपूत चुपचाप बैठा से कब से हाथ में चम्मच लेके आके फाड़ के आसमान में देख के मुस्कुरा रहा है खाली बावड़ा। कहाँ है बेटा तुम्हें? ऋतिक बता दो क्या? क्या बताएगी तू? प्लीज प्लीज चलो बता ही देती हूँ। बता बता। वो ना हमारे एक स्कूल में ना हमारी नई फ्रेंड बनी है और वो न्यू एडमिशन है। उसका नाम ब्रिटनी है। अंग्रेज है का? अरे नहीं नहीं मम्मी इंडियन है। उसका फुल नेम है ब्रिटनी चड्डा। चड्डा है? और उस ब्रिटनी चड्डा ने मुझे पुअर बॉय कहा। आज मैं पापा से सीधा एक क्वेश्चन करूंगा। का सवाल करना चाहे तू है? यही कि आपने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? जुके कैसे सवाल कर रहा हूँ? अरे कई बार देखो है, लाखन बार देखो है। हाँ तो कभी आपको फील नहीं हुआ कि आपकी पुअर शक्ल है? आपकी शक्ल ऐसी है जैसी लुटी हुई रियासत की चौकीदार की होती है। तुम्हें एक धर के दिए ठीक है? देखा सिर्फ तुम बात कर रहे हो? हाँ ना ना तनक तनक देख ले लौंडा कौन सी दिशा में जा रहा हूँ। क्या कहना चाहता है बता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी शक्ल आपके जैसे पुअर शक्ल पे क्यों गई है? मम्मी के जैसे रिच शक्ल पे क्यों नहीं गई? जामे हम क्या कर सकते हैं जे हमारे हाथ में ना है। बच्चे के जीन्स दोनों मम्मी पापा से बनते हैं। ऐसो है बेटा तुम ना पत्ती को पकड़ रहे हो, नेक जड़ को पकड़ो। ये तो हमारे खिलाफ लौंडे को काय भड़का रही है? दादी कुछ भड़का नहीं रही है, आज तो मैं आपसे भी सवाल करूंगा। हमसे सवाल करेगा तो कर सवाल। हाँ यही कि आपने ये पुअर शक्ल वाला बेटा क्यों पैदा किया? क्योंकि तेरे दादाजी की शक्ल भी पुअर हती। तो आपने दादाजी से शादी क्यों की? क्योंकि बेटा हमें तुम्हारे दादाजी से प्यार हो गया हुआ तो। और प्यार में ना शक्ल ना देखी जाती, प्यार तो दिल से होता है। सच कहा दादी, प्यार दिल से होता है। हाँ। बताओ ससुर, आजकल की जे औलादे हैं राक्षस, बापई को खा रहे, बापई को पहन रहे और बापई की शक्ल पुआ रहे। लीचड़ औलादे हैं एहसान फरामोश, जोन बाप ने पैदा करो वही बाप की शक्ल सारे आज गरीब लग रही, पुअर लग रही, कल के दिन जानक का करेंगे बुढ़ापे में। कहाँ बड़बड़ा रहे हो तुम? तुम एक पुअर शक्ल वाले आदमी से बात कर रही तो काय कर रही? तो जा बात में तुम चिड़े भाई हो क्या? ना ना बताओ रज्जू चिड़े ना तो क्या करे? तुम क्या कह रही थी बोते सबके सामने? जब्बा ने हमें कही के पुअर शक्ल वाले हैं, हम मम्मी की शक्ल पे काय न गए तो क्या बोली? हमारो का हाथ है, जड़ पकड़ो जड़, गुंजे पकड़ो ससुर, तुम बड़ी एंजेला जोली हो। तो जामे का गलत कह दो हमने? हाँ तुम कोई टॉम क्रूज तो दिखत ना हो, जब बात तो तुम मानत हो। हाँ और इतनी पूरी तरह से तुम पे गाओ है, ताई सब लड़की ने बाको पुअर बॉय कह दो है। जब सारी हमारी शक्ल इतनी लीचड़ है पुअर है तो तुमने ऐसी शक्ल वाले इंसान से शादी काय कर ली? कर लेती ना कौन रणबीर कपूर जॉन अब्राहम सारो हीरो टाइप। देखो हमने तुमसे शादी जमारे करी है कि तुम पे कोई और लाइन तो नहीं मारे। मतलब
मतलब जाए कि अगर हम बलबीर कपूर के शक्ल वाले से शादी करते ना तो हमें जे खतरा हो तो कि कोई ना कोई औरत भाई फंसा ना ले। तुम्हारा का कहने को मतलब है कि सोतरा माई शक्ल अब ऐसी है कि मोहल्ला की या दुनिया की आस पड़ोस की कोनो भी औरत हमारे घास ही ना डालेगी हम पे। अब तुम्हारी शक्ल देख के तो जोई लगाते हैं। अच्छा चलो ठीक, तुम हमें आज खुल के बताओ सारी हमारी शक्ल है तो कैसी है। सच बताए दे। बताओ। सोच ले। देखो तुम्हारी शक्ल ना ऐसा लगता है जो मूछन वाली शक्ल देखे जैसे कोई तरबूज पे कोई काली जोंक आए के चिपक गई हो। भगवान ना जरूर कोई कार्टून देख रहे हो जब तुम्हारी जैसी शक्ल बनाए रहे हो। तुम अब बिल्कुल मुंह बंद कर लो, अब हमें आ रहा हुआ गुस्सा। कई गुस्सा कई आ रहा है, सच कड़वा लग रहा है। जब सच से हर्ट हो गए हम। कई हर्ट हो गए हाँ? जी ना करो रज्जू तुम। बुरू लग गया हमें। कई हम तो मजाक कर रहे हैं ते। तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, मैं प्योरिश हैंडसम हो, मैं मिथुन चक्रवर्ती हो, मिथुन के जब थूतुन पे हमें बहुत ही गर्व है। हमारी शक्ल पुअर जैसी है।